ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। एक वर्ष से ज्यादा समय व्यतीत होने के पश्चात कृषक कल्याण बिल के आधार पर कांग्रेस छद्म राजनीति कर रही है। कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं कि तीनों बिल जो केंद्र सरकार ने पारित किए उसके पीछे सुविधा खेती के माध्यम से व्यापारिक मित्रों को भारतीय जनता पार्टी के नेता लाभान्वित करने का मंशा रखते हैं। एक वर्ष का अंतराल गुजर गया, एक भी किसी भी व्यक्ति को इस बिल के कारण से किसी व्यापारिक व्यक्ति को अगर लाभान्वित किया गया हो तो कांग्रेस के नेताओं को नाम बताना चाहिए। वैकल्पिक बिल है, इस बिल को बिल के आधार पर किसानों को एक नई राह दिखाई गई थी, जिस राह पर वो चलना चाहे तो चले वरना नहीं चले। वैकल्पिक बिल पर इस प्रकार की राजनीति, और शायद कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई है कि वो स्वयं इन बिलों के आधार पर राजनीति करने में कतरा रही है। इसलिए जब कभी भी कतिपय किसान संगठन इन बिलों के आधार पर छोटा मोटा आंदोलन की राग छेड़ते हैं, उसी तरनुम में अपनी राग को मिलाने का काम कांग्रेस कर रही है। और कांग्रेस की सरकार तो होते हुए सरकार की सरपरस्ती में जिस प्रकार के बंद को सफल बनाने के लिए पुलिस तंत्र का इस्तेमाल किया गया है, मैं समझता हूँ ऐसा तंत्र पुलिस तंत्र का इस्तेमाल पहली बार किया गया होगा। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।